का अध्यक्ष हूँ सोरा पटेल। आज हम पूरी समाज के हमारे लोग एकत्रित होकर कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन देने आए थे कि जिस तरीके से ताजियों के जुलूस को लेकर जिस तरीके से उस्मान पटेल पे जो कार्रवाई की गई है उस घटना की हम निष्पक्ष जांच को लेकर कलेक्टर साहब के पास उपस्थित हुए थे। हमने बोला कि उस्मान पटेल साहब एक हमारी समाज के अच्छे व्यक्ति है, लगातार 10 सालों से पार्षद है और कहीं ना कहीं लॉकडाउन और कोरोना महामारी को लेकर भी उन्हें कई तरीके के लोगों की सहायता पहुंचाई है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो कि जनप्रतिनिधि होने के नाते और जो घटना ताजिए वाली घटना थी वो घटना वो भी निंदनीय घटना है, उसको लेकर एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उस वहाँ पर वो गए थे, उनको उनके खिलाफ जो कार्रवाई की है मैं समझता हूँ कि तो निंदनीय कार्रवाई है। उनके खिलाफ जिस तरीके से जो कार्रवाई की वो कार्रवाई उनको होना नहीं थी। एक बदले की भावना से कार्रवाई, ऐसा महसूस होता है बदले की भावना से उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे, कहीं ना कहीं उन पर शासन प्रशासन ने दबाव में उस पर उन पर कार्रवाई की गई है। उनकी हम घटना की निष्पक्ष जाँच की मांग को लेकर कलेक्टर साहब से मिले थे। कलेक्टर साहब ने क्योंकि और भी यहाँ पे सभी पार्षद लोग भी आए थे, पार्षद दल भी आया था और हमारे काजी साहब भी मिलने आए थे, कलेक्टर साहब तो उन्हीं के संबंध में आए थे कि भाई ये जो कार्रवाई की है ये कार्रवाई कम से कम उस्मान पटेल को तो उसमें कम से कम हटाया जाए। पटेल साहब सहित कितने लोगों पर रासुका की कार्रवाई की? अभी 6 लोगों पर रासुका की कार्रवाई की गई है, उसमें उस्मान पटेल के परिवार के 4 लोग उन्हीं के परिवार के लोग हैं, उन पर कार्रवाई की गई है। उनके उस्मान पटेल के बड़े भाई है जो 60-70 साल की उम्र है, उनको 10-20 साल से वहाँ पे आज खजराना थाने में वो उनके संयोजक है बीट के हमारे शांति समिति के, वो बोलने के उनके खिलाफ भी कार्रवाई रासुका की कार्रवाई की गई। ज्ञापन लेने गए थे आप कलेक्टर ने? हाँ, हमने ज्ञापन के वहाँ पर समाज के लेटर पे हमने ज्ञापन दिया और उनको बताया था उस्मान पटेल आप इसकी निष्पक्ष जांच कराएं और अगर उसमें दोषी जो लोग हैं उन पर कार्रवाई हो और उस्मान पटेल पे जो कार्रवाई की गई है वो बड़ी कार्रवाई है, उसको कम से कम अब कार्रवाई अगर करना ही थी तो आप उसको 188 या धारा 151 की कार्रवाई हो जाती। आपको क्या आश्वासन दिया गया वहाँ से? अब आश्वासन ये दिया गया है कि उनके बच्चे को भी जो एडवोकेट है उनको भी 151 के तहत उनको भी SDM साहब उनकी जमानत भी नहीं ले रहे तो उनका SDM साहब को बुला के उनने तत्काल उनकी बात की है और उनकी कहने की जमानत दी और उस्मान पटेल के मामले में भी उनने भी जांच कराने की बात कही है कि हम कहने के उसका फुटेज को देख के और जो भी होगा हो सकेगा हम उसमें करेंगे क्योंकि जो कार्रवाई हुई है बोले सब फुटेज के आधार पर हुई है। मैंने कहा उसमें देखिए जनप्रतिनिधि होने के नाते गए थे वहाँ पर, हो सकता है उसमें दिखे भी हो, तो कम से कम ये जो कार्रवाई की गई है तो उनसे हटाई जाए। सोरा पटेल आगे कुछ अपन आगे आंदोलन वगैरह या कुछ करेंगे? ये पूरी समाज का हम मामला है क्योंकि पूरी समाज के लोग इसमें आक्रोश है पूरी समाज में और जो समाज के लोग बैठ के निर्णय लेंगे उसमें वो की कार्रवाई आगे करेंगे। सोरा पटेल, अध्यक्ष नायता समाज, जिला इंदौर।